ओके, सो ये है जीसीपी ट्रेनिंग डे 8। ठीक है, ट्रेनिंग डे 8। सो एज यूजल जैसा हम करते हैं, सबसे पहले एक क्विक रिकैप करेंगे क्या हमने पढ़ा था। और आज तो बेसिकली प्रैक्टिकल पार्ट है, तो जो भी हमने लास्ट डे पढ़ा था उसी का प्रैक्टिकल करेंगे, राइट। तो जल्दी जल्दी बताओ क्या क्या पढ़े थे हम लोग। सबसे पहले थे क्लाउड फंक्शन, राइट। इससे पहले हमने एक वर्ड पढ़ा था, सर्वरलेस थिंग क्या होता है, माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर क्यों यूज करते हैं, राइट। तो बताओ सर्वरलेस क्या होता है। हेलो, सो बेसिकली सर्वरलेस का मतलब क्या होता है कि इसके लिए हमें कोई भी प्रोविजनिंग पार्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती। हम ये नहीं बताते कि भाई तुम 2 वर्चुअल मशीन और 30 GB ऑफ मेमोरी मुझे मेरे लिए अलोकेट कर दो वगैरह, राइट। जैसे कंप्यूट इंजन जब हम करते थे, हम ये डिफाइन करते थे कि मुझे N1 स्टैंडर्ड 1 या T2 टाइप का मशीन चाहिए, राइट। ये चीज़ यहाँ पर नहीं होती। सेकेंड थिंग क्या था कि अगर मेरा कोई यूज केस है जहाँ पर जो चीजें हैं वो इवेंट बेसिस पे होने वाली है, इवेंट के बेसिस पे ट्रिगर होने वाली है, राइट। तो ऐसे यूज केस के लिए हम सर्वरलेस ऑफरिंग्स यूज करते हैं। जब तुम गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म के कंसोल पे जाओगे ना, तो वहां पर एक सेक्शन है सर्वरलेस, स्पेशली लिखा रहता है, राइट। वहां पर ये दोनों सर्विसेस आते हैं, क्लाउड फंक्शंस एंड क्लाउड रन। ठीक है, तो चलो बताओ क्लाउड फंक्शन क्या होता है, क्या करते हैं इसमें। इसमें मतलब हमारा जो कोड स्निपेट होता है वो दे देते हैं, प्लस उसकी डिपेंडेंसीज बता देते हैं, और उसमें कौन सी लैंग्वेज में लिखा है वो बता देते हैं, तो वो बाय डिफॉल्ट अपने आप ही वो डिप्लॉय कर देता है क्लाउड फंक्शन। करेक्ट करेक्ट। और ये मेजरली क्या होता है, मोस्टली जो यूज करते हैं हम लोग इसको सिंगल पर्पस यूज करते हैं, राइट, ना। अब आता है सेकंड चीज, क्लाउड रन। क्लाउड रन क्या किसके लिए होता है, जैसे क्लाउड ये में है सबसे कंटेनर्स हुआ साथ है कंटेनर, राइट। बेसिकली कंटेनर क्या होता है, डिपेंडेंसीज प्लस अपनी एप्लीकेशन का जो हम पैक कर देते हैं। करेक्ट। तो एप्लीकेशन प्लस डिपेंडेंसी हमारा क्या होता है, कंटेनर, राइट। और ये कंटेनर हम रन कर सकते हैं क्लाउड रन में। और तुम लोगों को कुछ बताया था मैं, फ्लेक्सिबिलिटी क्यों होती है कंटेनर्स की वजह से, कंटेनराइजेशन टेक्नोलॉजी हम यूज क्यों करते हैं, राइट। इससे ये डिपेंड नहीं करता कि तुम्हारा अंडरलाइन हार्डवेयर क्या है, अंडरलाइन ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, तुम कंटेनर्स कहीं भी रन कर सकते हो यूजिंग सम काइंड ऑफ कंटेनराइजेशन मैनेजमेंट टूल्स, लाइक डॉकर हो गया, पॉडमैन हो गया, और गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म में उसी का एडवांस वर्जन क्या है, क्लाउड बेल्ट। ठीक है, तो जो भी काम तुम डॉकर से कर पाते, राइट, कि कंटेनर क्रिएट करना, उसको मैनेज करना, रन करना, वो सारी चीजें हम यूज कर उस क्लाउड बेल्ट के हेल्प से कर सकते हैं। ओके, और क्लाउड रन एक सर्वरलेस प्लेटफॉर्म है जहां पर हम कंटेनर्स रन करते हैं। और बेसिकली ये थोड़ा और एक्स्ट्रा एडवांटेज में जाता है फ्रॉम क्लाउड फंक्शन, कि क्लाउड फंक्शंस मोस्टली जो है वो सिंगल पर्पस यूज करते हैं हम लोग, बट क्लाउड रन थोड़ा और एडवांस है, हम लोग मोर देन वन पर्पस यहाँ पर यूज कर सकते हैं। और अभी के टाइम पे जितने भी माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर हम बिल्ड करते हैं ना, वो प्रिफर करते हैं क्लाउड रन पे, क्यों, राइट। एक तो पहली बात कि हम एक से ज्यादा पर्पस एक ही कंटेनर में एकोमोडेट कर सकते हैं। जैसे कि मेरा कोई फ्रंट एंड का एप्लीकेशन है, उसके अंदर जो भी बैक एंड कोड्स वगैरह सब कुछ चलते हैं, एक कोई स्निपेट नहीं रहता, वो पूरा होल एप्लीकेशन रहता है, राइट। एक भी एक माइक्रो सर्विस को भी अगर मैं कंसिडर करूँ, जैसे फ्रंट एंड है, तो फ्रंट एंड के अंदर सिर्फ HTML CSS कोड नहीं होता, वहाँ पर जावास्क्रिप्ट भी हो सकता है फंक्शनैलिटीज वगैरह ऐड करने के लिए। और उस जावास्क्रिप्ट में एक फंक्शन नहीं होंगे, बहुत सारे फंक्शंस होंगे, यानी बहुत सारे कोड स्निपेट होंगे, राइट। तो वो सारी चीजें मैं एक पैकेज कर सकता हूँ, और वो पैकेज मैं रन करूंगा क्लाउड रन पे, राइट। तो जितने भी मतलब मोस्टली लोग क्या प्रेफर करते हैं क्लाउड रन को एज देयर माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर के लिए बेस्ट सर्विस करके, राइट। दूसरी चीज क्या रहता है, इवेंट ड्रिवेन है, राइट। तुम लोगों को क्या लगता है, अगर सर्विस इवेंट ड्रिवेन है तो वो कितना कॉस्ट लगेगा एज कंपेयर टू ऐसी सर्विस जिसके लिए पहले से चीजें अलोकेटेड हैं। क्या लगता है तुम्हें,
कि अगर मैं कोई अपना माइक्रो सर्विस या मोनोलिथ आर्किटेक्चर फॉलो कर रहा हूँ और उसको चला रहा हूँ, राइट, तो सारे एप्लीकेशंस को अगर मैं रन करना चाहता हूँ एक जगह पे या फिर कोई ऐसे सर्विस में जिसके लिए पहले से चीज़ें एलोकेट करके रखे हैं हम लोग, उसकी कॉस्टिंग ज़्यादा होती है। बट अगर मैं इवेंट ड्रिवन टाइप के सर्विस में रन कर रहा हूँ तो उसकी कॉस्टिंग में क्या रहती है, बहुत कम होती है, राइट। तो अगर तुम इंडस्ट्री स्केल में जाते हो, राइट, तो तुम्हारे लिए सिक्योरिटी, कॉस्टिंग, सारी चीज़ें मैटर करती है, क्योंकि तुम्हें लगता है कि अगर ये बेस्ट आर्किटेक्चर है, ये बेस्ट तरीके से क्लाइंट को सर्व कर रहा है और साथ बे साथ तुम्हारा कॉस्ट भी सेव हो रहा है, सो दैट इज़ प्रेफरेबल वन, ठीक है। तो हमें हर पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना पड़ता है, क्योंकि इंडस्ट्री में ऐसे भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो बहुत अच्छा खासा ग्रो कर रहे हैं, राइट, और कई ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं जो दे जस्ट स्टार्टेड है, छोटे स्टार्टअप्स वगैरह हैं, सो दे ऑल्सो वॉन्ट टू लेवरेज द थिंग्स, राइट। तो ऐसे सिचुएशंस में हम इस तरह से प्रेफर करते हैं उनको, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा थ्योरी पार्ट, जहाँ पर हमने देखा कि कैसे कैसे कर सकते हैं। अब देखते हैं कि इसको प्रैक्टिकली कैसे यूज करते हैं। तो कल जैसे मैंने बताया था कि अगर मैं यूज करना चाहता हूँ क्लाउड फंक्शन, मुझे तीन चीजें देनी है उसको सामने वाले को, राइट। पहली चीज क्या होती है, कोड स्निपेट, दूसरी चीज क्या होती है, रिक्वायरमेंट डॉट टीएक्सटी, एंड थर्ड थिंग क्या रहती है, लैंग्वेज बताना है ना उसको, कौन सा जावा पाइथन। तो अभी तुम लोगों के पास आई थिंक क्लाउड क्विक लैब्स का एक्सेस होगा, सो जस्ट जाना क्विक लैब्स पे, राइट, टाइप करना क्लाउड फंक्शंस क्विक स्टार्ट कंसोल, राइट। मैं अभी CLI नहीं रिकमेंड करूंगा तुम लोगों को, पहले चीजें समझ लो तब जाके CLI भी समझ में आएगा, राइट। तो जिसका लिंक मैं डाल दूंगा ग्रुप पे, सो जस्ट आओ देखो, यहाँ पर वही चीजें हैं जो हमने मतलब जो मैंने तुम्हें एक्सप्लेन किया कि हम लोग APIs वगैरह जो जनरेट करते हैं उन सब के लिए हम क्लाउड फंक्शन यूज कर सकते हैं। कोई कोड स्निपेट होता है जो कि इवेंट ड्रिवन है, वो हम रन करने के लिए क्लाउड फंक्शंस का यूज कर सकते हैं, दे आर सर्वरलेस, राइट। अब इनका एक यूज केस में एक वर्ड तुम्हें दिख रहा होगा, दे आर असिंक्रोनस वर्कलोड्स लाइक लाइटवेट ETL, क्लाउड ऑटोमेशंस लाइक ट्रिगरिंग एप्लीकेशन बिल्ड्स, राइट। तो ETL कभी सुने हो तुम लोग? अगर तुम आगे कभी इंडस्ट्री में जाओगे, राइट, तो अगर तुम डेटा पार्ट में होगे, राइट, मतलब जहाँ पर डेटा प्रोसेसिंग वगैरह ये सारी चीज़ें होती है, जो डेटा साइंटिस्ट वगैरह होते हैं, डेटा एनालिस्ट वगैरह होते हैं, बेसिकली वो इन सब चीज़ों पे काम करते हैं, तो वहाँ पर एक वर्ड आता है, दैट इज ETL पाइपलाइन, ओके। तो ये ETL बेसिकली क्या होता है पता है क्या? ई का फुल फॉर्म होता है एक्सट्रैक्ट, टी का मतलब होता है ट्रांसफॉर्म, एल का मतलब होता है लोड, ठीक है। अब तुम लोग अज्यूम करो कि अगर मुझे जैसे कोविड का ही डेटा था, राइट, तो कोविड में लोग फीडबैक दे रहे हैं, राइट, या फिर कोई वेबसाइट है वहां पर कोई लोग फीडबैक दे रहे हैं, तो क्या लगता है तुम्हें, हर बंदा जो फीडबैक देता है दैट इज जेन्युइन, या फिर कभी कभी ऐसा भी होता है ना, कई लोग हाई भेज के भेज देते हैं, कमेंट कर देते हैं, या फिर कोई फॉर्म फिल करता है फीडबैक फॉर्म तो कुछ और ही लिख के भेज देता है, राइट। सो वहां पर कुछ ऐसी भी चीजें होती है जहां पर जो कि हमारे बिजनेस के लिए फायदे का नहीं है, राइट। जब हम सर्वे वगैरह करते हैं इम्प्रूवमेंट के लिए कि भाई आप इस सॉफ्टवेयर में कौन से इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, राइट, ऐसे सिचुएशंस में अगर वो मतलब कई लोग ऐसे भी होते हैं जो मतलब ऐसे फीडबैक्स देते हैं, हाय, हेलो, थैंक यू वगैरह ये सब, तो वो हमारे काम की चीज़ नहीं है, राइट। तो ऐसे सिचुएशन में जब हम डेटा से अपने काम की चीज़ निकालने का जो प्रोसेस होता है पूरा, है ना, वो आता है ETL के अंदर, ठीक है। तो ई में क्या करते हैं हम लोग, जो भी सर्वे वगैरह हमने किया वहां से डेटा उठाएंगे, राइट, डेटा हमने एक्सट्रैक्ट किया, उसके बाद क्या करते हैं, उसमें से जो फालतू का डेटा है जो हमारे बिजनेस के लिए काम का नहीं है, राइट, जैसे कि क्या क्या हो सकता है, जैसे हाय हेलो वाला हो गया, थैंक यू वाला फीडबैक हो गया, सो ये चीजें हमारे काम के नहीं है, हमारे बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, राइट, ओके। तो वो चीज हम क्या करते हैं, हटा देते हैं, मतलब हमारा जो डेटा हमने एक्सट्रैक्ट किया उसको हमने ट्रांसफॉर्म किया एक अनदर फॉर्म में जो कि हमारे लिए यूजफुल है, एंड आफ्टर दैट वी लोड द थिंग इनटू अ पर्टिकुलर स्टोरेज लोकेशन, जैसे कि क्लाउड स्टोरेज बकेट हो गया, हम लोग जब स्टोरेज सॉल्यूशंस पढ़ेंगे तब देखेंगे कितने सारे टाइप के सॉल्यूशंस अवेलेबल है। तो इस तरह से कोई भी डेटा एनालिस्ट होते हैं ना, या फिर बेसिकली डेटा साइंटिस्ट, वो इस ETL पाइपलाइन पे काम करते हैं, और वो जो पाइपलाइन क्रिएशन का पार्ट है, you can do with cloud functions,
राइट right? तो तुम ही सोचो, जैसे कि मैं तुम लोगों को एग्जांपल दे रहा था पीडीएफ कन्वर्टर का। देखो तुम्हारा यूजर आया, उसने फोटो एक्सेल फाइल अपलोड की, वो एक्सेल फाइल आई तुम्हारे क्लाउड फंक्शन के पास। मतलब पहले क्लाउड फंक्शन ने वहां से डेटा क्या किया, एक्सट्रैक्ट किया, राइट right? उसके बाद वो क्या करेगा, उस पर्टिकुलर एक्सेल फाइल को पीडीएफ में कन्वर्ट किया, इसका मतलब उसने ट्रांसफॉर्म किया, राइट right? और ट्रांसफॉर्म करने के बाद सपोज वो क्लाउड स्टोरेज बकेट में डाल रहा है, फिर वहां से यूजर डाउनलोड करता है, राइट? या फिर हम एक लिंक जनरेट कर देते हैं क्लाउड फंक्शन क्लाउड स्टोरेज बकेट का, वो लिंक से वो बंदा डाउनलोड करता है उधर। तो ऐसे करके तुम क्लाउड फंक्शंस के थ्रू ETL का पाइपलाइन बना सकते हो। क्लियर है ये यूज केस? अच्छा इंटरेस्टिंग लग रहा है राइट, कि तुम भी खुद का कुछ ऐसा एप्लीकेशन बना के पाइपलाइन बना सकते हो। और जब तुम गिटहब में इस चीज का डिस्क्रिप्शन डालते हो राइट, कि तुमने ये इस चीज से क्या समझा है, सो तुम बहुत अच्छे से बता सकते हो ये चीज कि भाई ये चीजें हैं और यहाँ पर मैंने ये कंसेप्ट सीखा। और ETL भी एक वन ऑफ द मोस्ट बहुत सही कंसेप्ट है। ओके सो ये था, कुछ और यूज केसेस दे रखे हैं यहाँ पर ETL कैसे वो करते हैं। ओ सॉरी, लाइटवेट APIs वगैरह बनाना पार्ट है, ये मैंने यूज किया है अपने, तो मैं समझाऊंगा तुम्हें कि मैंने कैसे यूज किया था। ओके सो दीज आर द यूज केसेस। और जब तुम्हें यूज केस समझ में आता है कोई भी सर्विस का, तुम उसके हिसाब से अपने कस्टम यूज के लिए उसको मॉडिफाई कर पाते हो। तो लेट्स स्टार्ट कि कैसे करते हैं। ठीक है, समझ में आया? क्लियर है पूरा? क्लाउड फंक्शंस क्या है, क्लाउड फंक्शन कैसे यूज करना है, किस किस सिनेरियोज में तुम्हें क्लाउड फंक्शंस यूज करना है, राइट? तो जस्ट मैंने स्टार्ट किया। ओके लेट्स स्टार्ट। ओके यू ऑल विथ मी, राइट? ओके यहाँ पर देखोगे ना, अगर तुम लोग यहाँ साइड में नेविगेशन मेन्यू, पता है ना ये चीज, आई थिंक मैंने पहले बताया था तुम्हें कैसा दिखता है क्लाउड प्लेटफॉर्म, राइट? तो यहाँ पर नीचे आओ, यहाँ पर मोर प्रोडक्ट्स में क्लिक करो। ये देखो यहाँ पर कंप्यूट सेक्शन, कंप्यूट सेक्शन में हमने क्या क्या पढ़ लिया? कंप्यूट इंजन पढ़ लिया, गूगल कुबरनेटीज इंजन हम पढ़ने वाले हैं, सर्वरलेस, सर्वरलेस में तीन चीजें आई हैं, क्लाउड रन, क्लाउड फंक्शन, ऐप इंजन। ऐप इंजन के लिए भी तुमने कभी बताया क्या कि मुझे इतने नंबर ऑफ वर्चुअल सीपीयू चाहिए, इतने नंबर ऑफ मेमोरी चाहिए? बताओ, जब नहीं नहीं बताया था, क्यों? क्योंकि वो भी सर्वरलेस है, सारी चीजें पैस सर्विस है, सारी चीजें हैंडल कर रहा है क्लाउड प्रोवाइडर हमारे लिए, राइट? तो ये चीजें, तो यहाँ पर देखा सर्वरलेस का सेक्शन, फिर स्टोरेज है, डेटाबेसेस है ना, एप्लीकेशंस है। तो हमारे इंटरेस्ट की चीज है अभी क्लाउड फंक्शंस। ओके तो यहाँ पर पहले हम क्या करेंगे, गूगल प्रोवाइडेड जो सैंपल एप्लीकेशन है वो रन करेंगे, फिर हम उसको कस्टमाइज करेंगे हमारे हिसाब से। और हमेशा याद रखना, कोई भी सर्विस अगर मैं गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म में यूज करना चाहता हूँ, राइट, सबसे पहली चीज जो मुझे करनी होती है ना, वो उसका API एनेबल करना होता है। ओके देखो वो API एनेबल किया, दिखा क्या तुम लोगों को, एक थोड़ा सा आया था। तो सबसे पहले उसने API एनेबल की, तो गूगल कंसोल पे आ गए हम, ये चीजें कर ली हमने। ओके ओके सो यहाँ पर ये चीजें हमें डालनी हैं। फंक्शन का नाम है GC फंक्शन। ओके फंक्शन का नाम डालना है हमें GC फंक्शन, सॉरी। ओके सिलेक्ट, सॉरी सॉरी, 1 मिनट, बार बार आते रहेंगे, अच्छा हटाई देते हैं। HTTP, HTTP is over there. देखो यहाँ पर HTTP सिलेक्ट करने के लिए बोला उन्होंने, अगर मैं HTTPS सिलेक्ट करता हूँ तो मेरा सिक्योर कनेक्शन रहेगा, राइट? तो देखना उस हिसाब से, अगर तुम्हारे पास सर्टिफिकेट्स अवेलेबल हो या फिर खुद सर्टिफिकेट जनरेट करके कैसे अटैच करते हैं, इसका मैं एक डालूंगा वीडियो, ठीक है? तो वो यूज करना, क्योंकि वो इंडस्ट्री में यूज होता है,
यहाँ पर जस्ट फॉर द डेमो पर्पज इन्होंने डाल दिया, ठीक है। अब कैसा है कि हम अगर बोलते हैं सामने वाली चीज को कि ये अलाउ अनऑथेंटिकेटेड और ये ऑन कर देना, क्योंकि अगर ये नहीं किए तो अभी चलेगा नहीं है, क्योंकि अगर हम HTTPS एनेबल करते हैं तो हमें सर्टिफिकेट पास करना पड़ता है। ओके अभिषेक है, HTTPS के लिए SSL सर्टिफिकेट लेना पड़ता है ना हमें? हाँ, सर्टिफिकेट लेना पड़ता है, तो वही इसीलिए मैंने अभी हटा दिया फॉर द डेमो पर्पस, राइट, ठीक है। और अलाउ कर दिया अनऑथेंटिकेटेड इन्वोकेशंस, मतलब कोई भी इसको ऑन कर सकता है। ओके ठीक है, ये हो गया अभी। ओके सॉरी, एक और ऑन है यहाँ पे। ओके फिर उसके बाद क्या किया इसने, ऑटो स्केलिंग का कॉन्फ़िगरेशन है तो वो भी कर ही लेते हैं अपन। देखो क्लाउड बिल्ड, क्लाउड फंक्शन एंड क्लाउड बिल्ड दोनों बहुत ज्यादा पावरफुल हैं, क्योंकि हम चाहे ना तो इसमें इसको दूसरी सर्विसेज के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं। जैसे आगे जाके मैं तुम लोगों को पढ़ाऊंगा पबसब, बहुत जबरदस्त टूल है, उसमें पब्लिशर सब्सक्राइबर मॉडल और ये जो माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर होते हैं ना, उनके लिए हमें कैसे पता होता है कि एक माइक्रो सर्विस का काम खत्म हो गया तो मुझे दूसरे माइक्रो सर्विस का काम स्टार्ट करना है। ये सारी जो चीजें हैं वो हम हैंडल करते हैं यूजिंग पबसब। तो क्लाउड फंक्शन जो है वो बहुत सही है और इजीली इंटीग्रेट हो सकता है तुम्हारे क्लाउड पबसब के साथ। ये इन्होंने फीचर दे रखा है, राइट। यहाँ पर देखो रन टाइम वगैरह दिखा रखा है कि बेसिकली मेरे को कितनी रिक्वायरमेंट है। कैसा होता है पता है क्या, बिहाइंड द सीन हम चीजें बोलते हैं कि दैट इज सर्वरलेस, हम जितना चाहे उतना अलोकेट कर सकते हैं, या फिर हम अगर बोले कि, तो ऐसा नहीं होता कि कोई भी अकेला बंदा पूरा डेटा सेंटर अलोकेट हो सकता है। इट हैज सम लिमिटेशंस, राइट। नहीं तो फिर ये लिमिटेशन अगर नहीं डालेंगे तो पर्टिकुलर एक ऑर्गेनाइजेशन का ही पूरा डेटा सेंटर होगा, है ना। जैसे सपोज ये हो गया कि अंबानी ने कोई डेटा सेंटर अलोकेट किया है, और अगर हमने लिमिटेशन नहीं डाला कि ऑर्गेनाइजेशन के साइज के बेसिस पे सामने वाला इतना ही अलोकेट कर सकता है, वो तो पूरा डेटा सेंटर अलोकेट कर लेगा ना, तो अब वो गूगल का डेटा सेंटर हो गया, अंबानी का, राइट। तो ये चीजें हैं, है ना। तो उसके लिए क्या करते हैं, बेस्ड ऑन साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ना, हम कुछ लिमिटेशंस रखते हैं कि भाई तुम्हारा ऑर्गेनाइजेशन का साइज इतना है, वर्कलोड्स इतना है, तो आप इतना इस डेटा सेंटर का अलोकेट कर सकते हो, इतने नंबर ऑफ सीपीयूज एंड ऑल, राइट। तो वो सारी चीजें हम यहाँ डिफाइन करते हैं। उसके बाद कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमें कुछ वेरिएबल्स वगैरह डिफाइन करने होते हैं, तो वो हम यहाँ कर सकते हैं। कनेक्शन जनरेट करना है, जैसे कभी कभी हम दूसरे प्रोजेक्ट्स, दूसरे सर्विसेज के साथ भी इंटरेक्ट करते हैं, तो वहां पर हम कनेक्शंस के थ्रू ये डिफाइन कर सकते हैं। फिर सिक्योरिटी में अगर मुझे खुद का इंक्रिप्शन की वगैरह यूज करना होता है, लास्ट टाइम शायद मैंने तुम लोगों को बताया था जब मैं इमेज बता रहा था, इमेज हार्डनिंग, वहां पर तुम लोगों को बताया था कि लोग जो है अपना डेटा को इनक्रिप्ट करने के लिए इंडस्ट्री में हम लोग खुद का की वगैरह यूज करते हैं, वो सारे फीचर्स तुम यहाँ यूज कर सकते हो, राइट। तो ये सारे फीचर्स हैं, राइट। सीक्रेट्स वगैरह भी यूज कर सकते हो। चलो नेक्स्ट जाते हैं, कुछ ज्यादा ही है वो। तो कल मैंने बताया था कि बेसिकली अगर मेरे को क्लाउड फंक्शन डिप्लॉय करना है, मुझे सिर्फ तीन चीजें चाहिए। सबसे पहली चीज कोड स्निपेट, दूसरी चीज रिक्वायरमेंट डॉट टी एक्स टी, राइट, और तीसरी चीज कौन से लैंग्वेज में वो लिखा हुआ है, राइट। तो यहाँ पर भी अगर तुम देख पा रहे होगे, यहाँ पर रन टाइम लिखा है, इसका मतलब कौन सी लैंग्वेज में तुम्हारा एप्लीकेशन रिटन है। उसके बाद यहाँ पर दो फाइल्स लग रहे हैं, हमारा एक मेन डॉट टी एफ जहाँ पर तुम्हारा एक्चुअल एप्लीकेशन का कोड, एंड सेकेंड थिंग तुम्हारा रिक्वायरमेंट डॉट टी एक्स टी। अगर मैं जावा नोट जे एस में एप्लीकेशन लिख रहा हूँ उसमें पैकेट डॉट जेसन बोलते हैं, राइट, बट अगर मैं पाइथन में करूंगा तो रिक्वायरमेंट डॉट टी एक्स टी होता है। ओ सॉरी, एक चीज और, यहाँ पर फाइव करना है, सॉरी जस्ट अ मिनट, प्रिंट करता मैं, एक मिनट। दो फंक्शन का नाम है हमारा GC फंक्शन, अलाउ अनऑथेंटिकेटेड URL, ओके कूल। 2 मिनट दो, फटफट कर देता मैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ इंस्टेंसेस 5। देखो ऑटो स्केलिंग भले ही कंफिगर किया था मैं, लास्ट टाइम भी ऐसा था, बट हमें एक लिमिट डालनी पड़ती है कि इसके बियॉन्ड हम नहीं जा सकते। अगर ऑटो स्केलिंग में भी मैंने अगर पूरा एकदम वो कर दिया कि जितने चाहे इतने एलोकेट कर सकते हो, और कभी डीडॉस अटैक हो गया
है ना, आधे डेटा सेंटर में मेरे रिसोर्सेस चल रहे हैं, तो मेरे ऊपर कितना बिल फटेगा, समझ रहे हो? क्या लगता है ना? डीडोस अटैक मीन्स क्या होता है मतलब? डीडोस अटैक में क्या होता है, जैसे कि हमने बोला ये एप्लीकेशन इवेंट ड्रिवन है, राइट? जब भी यूजर आएगा, रिक्वेस्ट यूजर आएगा करेगा, तभी चलेगा। तब जाके चलेगा ना। अब डीडोस राइट अटैक में सामने वाले जो अटैकर्स होते हैं, हैकर्स होते हैं, वो ना बार बार रिक्वेस्ट भेजते हैं। अब बार 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 बार, एक एक मिनट में 1000 रिक्वेस्ट, तो फिर दो तो मिनट मतलब में चलता टेन ही थाउजेंड होगा। रिक्वेस्ट तो सोचो, मतलब बैकएंड में हमारा एप्लीकेशन तभी चल रहा है जब रिक्वेस्ट आ रहा है, राइट? सेम तो उस मामले में अगर बैकएंड बार बार इन्वोक हो रहा है, तो बेस्ड ऑन डिमांड बैकएंड में रिसोर्सेज भी क्रिएट होंगे, है ना? और अगर हमने ये ऑटो स्केलिंग का पैरामीटर सेट करके नहीं रखा है, तो आधे डेटा सेंटर में मेरे ही रिसोर्स चलेंगे, राइट? अब सोचो उसका बिल किसके ऊपर फटेगा, हमारे ऊपर ना, क्योंकि हमने वो चीज सेट कर रखी है, राइट? अगर हम ऑटो स्केलिंग में जैसे 5 तक कर देंगे तो वो अगर हाँ, डीडोस अटैक भी हो तो वो 5 ही तक चलेगा। राइट ना, पांच ही तक चलेगा, उसके बाद वो अपने करेक्ट। सर्विस अपने आप ही डाउन हो जाएगी हमारी। करेक्ट, तो ये एक वे है जिसके थ्रू हम प्रिजर्व करते हैं, खुद को बचाते हैं बेसिकली, है ना? और रिसोर्स कंजप्शन भी बचता है, राइट? क्योंकि देखो, क्लाउड जो है वो शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, राइट? क्लाउड प्रोवाइडर भी अपने एंड से ट्राई करता है कि सारी चीजें इन प्लेस हो, सिक्योरिटी के बेसिस पे भी, सबके बेसिस पे, है ना? बट दिस इज शेयर्ड नेटवर्क। अब अगर तुमने खुद का क्रेडेंशियल अगर सामने वाले को दिया है ना, कि लो भाई यूज करो किसी हैकर को, और वो बहुत सारे इंस्टेंसेस बना रहा है, सो दिस इज नॉट लाइक कि इसके लिए क्लाउड प्रोवाइडर रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि तुमने खुद से दिया है, राइट? भले ही वो मिस्टेक करके दे दिए, गिटहब में कभी कभी लोग पुश कर देते हैं अपने सर्विस अकाउंट के कीज वगैरह, तो उसकी वजह से क्या होता है, हैकर्स ये चीज देखते हैं, और तुम्हारे सर्विस अकाउंट पे जो भी प्रिविलेज होते हैं, उसके बेसिस पे वो रिसोर्सेस क्रिएट करना स्टार्ट कर देते हैं तुम्हारे गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म के अंदर। अब यहाँ पर अगर जो की यूज हो रहा है वो तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन का की है, मतलब तुम्हारा की है, समझ में? तो ऐसे सिचुएशंस में जो भी रिसोर्सेस क्रिएट हो रहे हैं, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल तुम होते हो ना, कि क्लाउड प्रोवाइडर, राइट? तो इसलिए याद रखना हमेशा कि जो हमारा क्लाउड है, दैट इज शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है? जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लाउड क्लाउड प्रोवाइडर की होती है, उतनी तुम्हारी भी होती है, ओके? सो जस्ट बी श्योर, ओके? ये आ गया। उसके बाद इन्होंने चूज करने बोला बस कि हेलो वर्ल्ड डाल दो। हमने यहाँ पर पाइथन करेंगे यार, कि उसके साथ मैं ज्यादा फैमिलियर हूँ एक्चुअली, मुझे नोड जेएस उतना नहीं आता, ओके? सो यहाँ से चूज करते हैं पाइथन 3.9, चलो, ठीक है, ओके। यहाँ पर हेलो वर्ल्ड का एप्लीकेशन लिखा हुआ है, परफेक्ट। देखो यहाँ पर इसने क्या बोला है, हेलो वर्ल्ड लिख दो, यूज द डिफॉल्ट कोड नोड जेएस। नहीं, नोड जेएस नहीं यूज करना मुझे, मुझे यूज करना है पाइथन। यहाँ पर एंट्री पॉइंट हमेशा चेंज कर लेना, राइट? ये अगर हेलो वर्ल्ड करता हूं मैं, तो मुझे ये भी चेंज करना पड़ेगा। हाँ, अब देखो ये बहुत सिंपल है, ठीक है? बेसिकली ये क्या कर रहा है, ओके, सो बेसिकली ये क्या कर रहा है, एक क्लाउड फंक्शन, एक फंक्शन रन कर रहा है जिसका नाम है हेलो वर्ल्ड, ठीक है? और वो हेलो वर्ल्ड जस्ट कुछ मैसेज देता है हेलो वर्ल्ड करके, ठीक है? अगर कोई इश्यू नहीं आता, पैरामीटर्स वगैरह इसमें पहले नॉर्मली डिप्लॉय करते हैं, फिर हम क्या करेंगे, खुद का कस्टमाइजेशन करेंगे, ओके? तो ये हमारा एंट्री पॉइंट है, तो कोई भी यूजर इस पर्टिकुलर एंट्री पॉइंट पे अगर हिट करता है ना, सो उसको एज अ आउटपुट क्या मिलना चाहिए, हेलो वर्ल्ड मैसेज, ठीक है? ये हमारा हो गया मेन डॉट py, और ये हमारा हो गया कोड का स्निपेट, राइट? अब इसके बाद सेकंड चीज, हम रिक्वायरमेंट्स देते हैं। अब एक बात बताओ, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अगर मुझे हेलो वर्ल्ड लिखना है, कुछ मुझे अलग से लाइब्रेरी इंपोर्ट करनी पड़ती है क्या, बताओ? C++ में तो इनपुट आउटपुट स्ट्रीम करनी पड़ती है। हाँ, बट अगर पाइथन जैसा एडवांस लैंग्वेज हम यूज कर रहे हैं, तो करना पड़ता है क्या? नहीं करना नहीं, पड़ता, उसमें कुछ नहीं करना राइट? पड़ता। अगर मुझे कोई स्पेसिफिक पर्पस है, जैसे मशीन लर्निंग का कोड रन करना है, तब उसके लिए नंपाई चाहिए, पांडास चाहिए, राइट? तो उस टाइम पे मैं यहाँ पर रिक्वायरमेंट डॉट टीएक्सटी में जो भी मेरा डिपेंडेंसी है, जैसे कि मुझे
पाइथन 3.5 वगैरह ऐसा चाहिए, बोलता हूँ पांडा चाहिए या नम पाई चाहिए, तो उसका स्पेसिफिक वर्जन हम यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं, अभी के लिए जरूरत नहीं है, ठीक है। सो जस्ट डिप्लॉय करते हैं, थोड़ा ये टाइम लेता है, राइट। देखो तीन ही चीजें डाली मैंने, एक रन टाइम डाला, एक मेन डॉट टी एफ मेन डॉट पी वाई में अपना एप्लीकेशन का कोड डाला, फिर रिक्वायरमेंट डॉट टी एक्स टी में हम अभी सैंपल एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता जरूरत पड़ेगी, राइट। बट मेरे यूज केस के लिए तुम लोगों को बता था कि मैंने क्या किया था, राइट, तब तक जब तक ये एक क्लाउड फंक्शन बन रहा है। सो लेट्स गेट बैक टू दिस। ये देखो, अब मैंने तुम्हें बताया कि ETL पाइपलाइन बनाने के लिए, IoT एप्लीकेशंस के लिए हम यूज कर सकते हैं क्लाउड फंक्शंस को, और पबसब एक चीज बताई थी, माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर अगर मैं यूज करना चाहता हूँ तो पबसब एक बहुत सही चीज है, राइट। तो ऐसे में सिचुएशंस में तुम लोग अगर यहाँ देखोगे तो यहाँ पर देखो क्लाउड फंक्शंस मैंने यूज किया है, उसको पबसब के साथ इंटीग्रेट किया है, और यहाँ पर फाइल स्टोर का इंस्टेंस भी डाल रखा है मैंने। बताऊंगा फाइल स्टोर क्या होता है, बेसिकली वो तुम्हारा ये है, क्या बोलते हैं, नो सीक्वल टाइप डॉक्यूमेंट डेटाबेस, ठीक है। इसका कोड दिखाता हूँ मैं, ज्यादा अच्छे समझ में आएगा तुम्हें। देखो मैं क्या चाहता हूँ कि जब भी कोई यूजर रिक्वेस्ट करे तो उस यूजर को रिक्वेस्ट जाना उस यूजर को मेल जाना चाहिए कि हे हाय कुछ हुआ है ऐसा टाइप का, या फिर कोई भी यूज केस है तुम्हारा कि तुम चाहते हो कि सामने वाले को कुछ अलर्ट जाए कि भाई तुम्हारा PDF रेडी है, ये डाउनलोड कर लो ये फाइल। तो ये चीज कैसे करते हैं, राइट। तो जब तुम्हारा यूजर तुम्हारे एप्लीकेशन में आता है, तुम उसका क्रेडेंशियल वगैरह बनाते हो, उसका ऑथेंटिकेशन की वगैरह मंगाते हो, उसे जीमेल वगैरह लेते हो, राइट। तो अब क्या हुआ, एप्लीकेशन में आने के बाद जब उसने अपना PDF डाला, राइट, तुमने उसको कन्वर्ट किया, अब तुम उसको मेल के थ्रू नोटिफाई करना चाहते हो कि भाई तुम्हारा PDF रेडी है। सो ये कैसे करेंगे, ये कर सकते हैं हम लोग यूजिंग क्लाउड फंक्शंस, राइट। वो कैसे करेंगे, देखो कोड सिंपल है, यहाँ पर देखा है कितने सारे लाइब्रेरीज इंपोर्ट किया मैंने, पाइथन का एप्लीकेशन है, और यहाँ पर अगर तुम देखोगे तो एक सिंपल वो है मेरे पास फंक्शन, और वो फंक्शन ये चीज परफॉर्म कर रहा है। थोड़ा ज्यादा लग रहा होगा तो ठीक है, बस यही परफॉर्म कर रहा है वो। यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, बेसिकली सेंडग्रिड, कभी सर्च करना, मैं तुम लोगों को बता था, सेंडग्रिड के थ्रू तुम भेज सकते हो अपने एप्लीकेशंस को नोटिफिकेशंस, या फिर मेल्स भेज सकते हो यूजर को। तो मैं एक टास्क शीट बना के देता कि तुम्हें एक्चुअल में करना क्या है, राइट, एक सही सा प्रोजेक्ट बन जाएगा तुम्हारा यूजिंग क्लाउड फंक्शंस, ओके। तो ये ऐसा मैंने कुछ किया था, तुमने वहां पर बहुत सिंपल सा देखा, यहाँ पर मैं डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी कर रहा हूँ और सेंडग्रिड से मेल भेज रहा हूँ सामने वाले यूजर्स को, जहां पर लिखा रहेगा इस टाइप का कुछ कि हेलो, फिर उसका नाम रहेगा जैसे हेलो अभिषेक, दिस इज टू नोटिफाई यू दैट योर डिवाइस इज एक्सीडेड द अलर्ट लिमिट वगैरह, उसका डिटेल्स वगैरह, राइट। जैसे तुम्हारा PDF बन गया, अभिषेक, हाँ बोलो, ये एक अलग से सर्विस भी होती है ना, SNS, सिंपल नोटिफिकेशन सर्विस, यस यस, उसके थ्रू भी बोल सकते हो, भेज सकते हो। तो इनके मतलब उस सर्वर्स होते सर्विस हैं को अटैच बेसिकली, करना पड़ेगा। करेक्ट। अब वो अटैचमेंट कैसे होता है, यूजिंग लाइब्रेरीज, ठीक ओके है। ओके तो यहाँ पर सेंडग्रिड का लाइब्रेरी यूज किया मैंने, तो तुम अगर देखोगे ना अभी इसकी रिक्वायरमेंट डॉट TXT फाइल, राइट, तो यहाँ पर तुम्हें सेंडग्रिड दिखेगा, दिख रहा है लास्ट में, राइट राइट राइट। तो हमने क्या किया, अपना कोड स्निपेट दिया, उसको बताया कि भाई इस कोड स्निपेट में मैं सेंडग्रिड यूज कर रहा हूँ, राइट, और फिर बस उसको बताया ये पाइथन का एप्लीकेशन है, हो गया हमारा काम, राइट। ओके सर, लैब बंद हो गई यार, ये क्रिएट तो हुआ ना, पता नहीं, देखते हैं। ये देखो हेलो वर्ल्ड आया, और ये देखो एंट्री पॉइंट था, GCF फंक्शन राइट हमने बनाया था, राइट। तो ऐसे करके तुम भी बना सकते हो अपने खुद का पाइपलाइन, बोल सकते हो API बोल सकते हो, एक सिंगल पर्पस, या फिर थोड़ा लाइट वेट थिंग्स को, ठीक है। तो ये था हमारा क्लाउड फंक्शंस, क्लियर है क्लाउड फंक्शन कैसे बनाना है, कैसे यूज करना है। अब मैं तुम लोगों को बस एक यूज केस दूंगा कि भाई तुम जैसे PDF कन्वर्टर वाला, मैं तो बोलता कोई बैठो यार और PDF कन्वर्टर वाली पूरी बना ही दो, समझ रहे हो क्या बना दो, पूरा एप्लीकेशन, ओके पूरा एप्लीकेशन एंड टू एंड, तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट बन जाएगा वो, ठीक ठीक है।
बैठो और यूज करो, और अगर कहीं पे फंसते हो मुझे बताओ कि मैं कैसे यहाँ पर कौन सी सर्विस यूज करूँ, देन आई विल हेल्प। ओके, बट एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट बन जाएगा तुम लोगों का, ठीक है ना? फर्स्ट तो उसका कोड लिखना पड़ेगा ना हमें। हाँ, कोड लिखना पड़ेगा, ठीक हाँ है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे हो जाता है, राइट? यहाँ पर देखो वही पीडीएफ कन्वर्टर ही बनाया है इन्होंने। एक सही सा देखना पड़ेगा मुझे, या फिर इससे ना भी होना तो हम क्या करेंगे, खुद का यूज कर लेंगे। ओके, मुझे 2 मिनट दो, ठीक है? तो तैयार हो यार बनाने के लिए कि खुद का पीडीएफ कन्वर्टर जैसा ऐप, ठीक है? उसमें हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट सर्विसेज कोलेबरेशन में बनाना चाहो बना सकते हो, सबके लिए प्रोजेक्ट का एक अच्छा खासा अच्छा वेटेज वाला प्रोजेक्ट बन जाएगा। ओके, और 1 मिनट रुक जाओ ना, 1 मिनट। फंक्शंस कैसे काम करता है, राइट? लेट्स सी द क्लाउड रन पार्ट, ठीक है? ओके, ठीक है। तुम्हें स्क्रीन दिख रही है, राइट? सो ये भी सर्वलेस के अंडर आता है, तुम्हें पता है, राइट? यहाँ पर हमने देखा था, सो जस्ट क्लिक, या तो तुम यहाँ से भी जा सकते हो, ठीक है? यहाँ पर एपीआई एनेबल नहीं है, जस्ट क्रिएट अ सर्विस। यहाँ पर देखो लिख क्या आ रहा है, इनेबल क्लाउड रन एडमिन एपीआई, है ना? एक बार मैं इधर देख लेता हूँ कि अगर तुम्हें मिल जाए कोई सिंपल सा, ठीक है, यू कैन यूज दिस थिंग। ये मैं भेजता तुम लोगों को, ठीक है? और ऋषभ, इन सबके लिंक भेज देना, ठीक है? यहाँ पर भी इन्होंने सेम ही यूज किया है, समझेगा? एक सिंपल बताता पहले मैं। ओके, तो देखो सबसे पहले मैंने कल बताया था तुम लोगों को कि अगर मुझे क्लाउड रन रन करना है मुझे क्या चाहिए, कंटेनर कंटेनर्स चाहिए, राइट? तो यहाँ पर तुम लोग देख रहे होगे कि यहाँ पर लिखा हुआ है डिप्लॉय वन रिविजन फ्रॉम एग्जिस्टिंग कंटेनर इमेज, या फिर कंटिन्यूअस डिप्लॉयमेंट कर सकते हो तुम लोग सोर्स रिपोजिटरी से। सो सोर्स रिपोजिटरी से जब तुम करोगे तो वो CI/CD वाला पाइपलाइन बताया था तुम लोग को, याद है? डेवलपर जो है वो डेवलप करता है एप्लीकेशन को, फिर उसका कंटेनर बनाता है, आगे बढ़ाता है, राइट? टेस्टिंग करेक्ट। तो वो सारी चीजें तुम यहाँ से कर सकते हो, ठीक है? सो अभी जस्ट एक सैंपल लेते हैं, पता नहीं अवेलेबल होगा कि नहीं, एक सिंपल सा, नहीं होगा तो अपने को लेना पड़ेगा। यहाँ डेमो कंटेनर्स हैं अवेलेबल, हेलो वाला एप्लीकेशन है, चलो मैंने सिलेक्ट कर लिया, ठीक है? ये हो गया हमारा कंटेनर, ठीक है? और अगर तुम्हें दूसरे कंटेनर्स चाहिए हो, जस्ट गिटहब पे जाना, गिटहब बोलता हूँ, डॉकर कंटेनर रजिस्ट्री, डॉकर हब बोलते हैं, ठीक है? वहां जाना, बहुत सारे कंटेनर्स मिल जाएंगे रिलेटेड टू इंजनएक्स, अपाची, HTTPD, तुम्हारा इलास्टिक सर्च, जो भी एप्लीकेशन तुम एक्सप्लोर करना चाहते हो वहाँ पर बहुत सारे कंटेनर्स अवेलेबल हैं। और मैं तो सजेस्ट करूँगा खुद से भी बनाओ, ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है? यहाँ पर भी मैक्सिमम नंबर ऑफ इंस्टेंसेस 10 रखते हैं, क्यों पता है ना आप तुम लोगों को? पूरा डेटा सेंटर अपने को अलोकेट नहीं करना, ठीक है? अलाउ ऑल ट्रैफिक, ठीक है? यहाँ पर सेट टाइम पॉलिसी टू क्लाउड रन, नीड टू रन सर्विसेस, ओके, ठीक है, जस्ट अ मिनट, मैं एक सेट कर रहा हूँ, 1 मिनट रुको।
मिनट, सॉरी, एक मिनट। ये भी हो सकता है कि तुमने खुद से बनाया हो तुम्हारे एप्लीकेशन के लिए, या फिर डॉकर हब या कंटेनर रजिस्टर में जो भी कंटेनर अवेलेबल है जो तुम रन करना चाहते हो वो तुम यहाँ पर यूज कर सकते हो, राइट। टेस्ट विथ अ सैंपल कंटेनर, और ये सैंपल कंटेनर है, अभिषेक ठीक है। हाँ बोलो। हेलो, ये डॉकर हब में तो इमेज स्टोर होती है ना, कंटेनर तो हम लोग रन करते हैं अलग से, कंटेनर इमेजेस होते हैं, वही इमेज को ही आप कर हाँ, तो बेसिकली यही है, कंटेनर इमेज, रहे ओके। यही है, कंटेनर इमेज बोलो या फिर कंटेनर बोलो हमारा, राइट। तो यहाँ पर कंटेनर इमेज होती है, राइट। बेसिकली ये कंटेनर इमेज है, और डॉकर हब में भी तुम्हारा कंटेनर इमेज होता है, जस्ट वहां से उठाओ। अब कैसा, कंटेनर बोलने पे समझ में आता है एप्लीकेशन उसकी डिपेंडेंसी है वहां पे, है ना, और अगर कंटेनर इमेज बोलो फिर कंफ्यूज हो जाएंगे, इसी में वो वर्ड यूज कर रहा था, ओके, ठीक है। तो हमने अभी क्या किया, हमने एक सैम्पल एप्लीकेशन लिया, यहाँ पर हमने सारे कॉन्फ़िगरेशन डाल दिया, कितने नंबर ऑफ मैक्सिमम इंस्टेंसेस होने चाहिए, सारे ट्रैफिक को अलाउ कर दिया। और यहाँ पर भी देखो, जैसे वहां पर लास्ट टाइम देखे थे हम लोग, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, कंटेनर पोर्ट, ठीक है। अब ये कंटेनर पोर्ट क्यों इंपॉर्टेंट है, अब देखो, अगर तुमने खुद का कस्टम कोई एप्लीकेशन बनाया है या खुद का कंटेनर बनाया है, राइट, मैं दिखाऊंगा कैसे बनाते हैं, राइट। तो वहां पर कैसे होता है, हम डिफाइन करते हैं कि हमारा जो एप्लीकेशन है वो इस पर्टिकुलर नंबर पे एक्सपोज होता है, क्योंकि यहाँ पर भी जब हम पूरा कंटेनर डिप्लॉय कर लेते हैं या फिर पूरा एप्लीकेशन डिप्लॉय कर लिए रहते हैं, राइट, तो क्या होता है, हमें एक ना एंड पॉइंट मिलता है जो कि एक्चुअल में होता है HTTPS। क्या होता है, HTTPS। तो अगर तुम्हारा एप्लीकेशन 8080 पे चल रहा है या फिर किसी और पे चल रहा है, राइट, तो वहां पर उस केस में भी कैसा होता है कि तुम सिंपली क्या करते हो, उस टाइम पे एप्लीकेशन को या फिर गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म को कैसे पता चलेगा कि तुम्हारा जो एप्लीकेशन है वो 8080 पे चलता है, ताकि वो इस पर्टिकुलर पोर्ट को तुम्हारे जो भी यूआरएल वो जनरेट करने वाला है इन द फॉर्म ऑफ HTTPS उसके साथ मैप कर सके, ओके। तो ऐसे सिचुएशंस में हम बेसिकली क्या करते हैं, यहाँ पर ये जो कंटेनर पोर्ट है ये हमें डिफाइन करना होता है। फॉर द सेफ एंड जस्ट मिनट, मैं इसके बाद दिखाता हूँ जैसे डिप्लॉय करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर तुम कंटेनर पोर्ट डिफाइन करो, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। उसके बाद मेमोरी एंड सीपीयू बताओ कि कितना चाहिए, कितने रिक्वेस्ट टाइम आउट हो सकता है, कितने टाइम के बाद, ये सारी चीजें मैंने डिफाइन कर दी। और कुछ इन्वायरमेंटल वेरिएबल जैसा हम वहां पर डिफाइन कर सकते थे कनेक्शन एंड सिक्योरिटी सेक्शन में, खुद का इंक्रिप्शन की वगैरह, वो हम यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। और जैसे ही सारी चीजें फिल कर सकते हो, जस्ट क्लिक ऑन क्रिएट। ये वाला फ्री टियर अकाउंट खत्म हो चुका है शायद मेरे ख्याल से, तो अगर मैं क्रिएट करता हूँ तो बिल होगा, राइट। सो
जस्ट फॉर द FYI, ऐसा हम क्रिएट करते हैं क्लाउड फंक्शंस को, क्लाउड रन को, सॉरी, राइट। तो इसको यहीं पे लेफ्ट कर रहा मैं, क्योंकि आई थिंक फ्री टियर हो गया है। तुम लोगों को अगर क्विक लैब्स पे होगा, राइट, मेरा क्रेडिट शायद ओवर हो गए हैं, वरना मैं वहां पर दिखाता, नहीं होगा तो फिर से दिखा दूंगा मैं ये चीज एक बार क्रेडिट्स रिडीम करके मैं, है ना। बट दिस इज हाउ वी डू द थिंग्स, ओके, कि क्लाउड रन में कैसे डिप्लॉय करते हैं। सबसे पहले हम कंटेनर चूज करेंगे, उसका नाम रखेंगे, कौन से रीजन में चाहिए। हमेशा याद रखना, रीजन तुम अपने नियरेस्ट रखना, मतलब जैसे कैसा है, अगर मेरी कंपनी इंडिया में है, राइट, तो मेरे मोस्ट ऑफ द यूजर्स होंगे वो इंडिया के ही होंगे, बहुत कम होंगे जो बाहर के लोकेशन से होंगे। तो हमें क्या है, अपने लोकेशन, अपने मतलब ज्यादा यूजर्स जहाँ पर हैं उनको टारगेट करना है। तो हमेशा जो भी रिसोर्स क्रिएट करते हैं हम लोग, वो हमारे से नियरेस्ट होना चाहिए, ताकि लो लेटेंसी मिले, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, जस्ट क्लिक ऑन क्रिएट, है ना। इसके बाद ना एक और अच्छा फीचर है जो तुम लोगों को दिखाना चाहता था, दैट इज आई थिंक यहाँ पर शायद ही दिखेगा। कैसे दिखाऊं मैं तुम्हें, नहीं, तुम लोग जब जब एक इसको मैं वापस से दिखाऊंगा तुम लोगों को, तब मैं दिखाता ये चीज, अभी यहीं पे छोड़ो, राइट, कैसे क्रिएट करते हैं। ओके, अब क्या करता हूँ मैं तुम लोगों को, एक चीज दिखाता हूँ कि कैसे हम क्रिएट करते हैं। ये क्लियर हुआ, जस्ट हमें अभी क्रिएट पे क्लिक करना है, हमारा क्लाउड रन अप्लीकेशन सेम क्रिएट हो जाएगा। और जैसा हम लोगों को लास्ट में URL मिला था ना क्लाउड फंक्शंस में, उस URL पे क्लिक किए तो हमें हेलो वर्ल्ड मिला, इन द सेम मैनर यहाँ भी सेम रहेगा, ठीक है। अब मैं तुम लोगों को दिखाता एक चीज, ठीक है, ये तुम स्क्रीन नहीं दिख रही। हाँ एक मिनट, मैं स्क्रीन शेयर कर दो। ओके, सो ये जाके मैं सोच रहा था, जब तुम लोगों को जीके ही पढ़ाता तब मैं ये इंट्रोड्यूस करता तुम लोगों को, बट ठीक है। कंटेनर कैसे बनाते हैं उसके लिए ये तुम यूज कर सकते हो ये ब्लॉग, ठीक है। यहाँ पर मैंने एक कंटेनर बना रखा है। सो बेसिकली देखो, ये सिंपल सा मेरा एप्लीकेशन था फ्लास्क का। अगर तुम लोग पाइथन से फेमिलियर हो गए तो फ्लास्क सीख ही लो, क्योंकि जो छोटे छोटे एप्लीकेशन हम बनाते हैं ना, वो हम फ्लास्क के थ्रू बना सकते हैं, फॉर द टेस्टिंग पर्पज बोलो, या फिर सही रहता है। मैंने तो पूरा होल एप्लीकेशन बनाया था यूजिंग फ्लास्क ओनली, ठीक है। तो ये सैंपल एप्लीकेशन है जो कि रिटर्न करता है हेलो फ्रॉम अभिषेक, ठीक है। यहाँ पर मैंने फ्लास्क मॉड्यूल और लाइब्रेरी यूज की है, राइट, और ये बहुत सिंपल सा है। कभी जाना हो सर्च करना यूट्यूब पे फ्लास्क, तुम्हें समझ में आ जाएगा, बहुत अच्छा फ्रेमवर्क है फॉर एप्लीकेशन डेवलपमेंट, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने requirement.txt में मैंने फ्लास्क यूज किया, तो जस्ट फ्लास्क बताया, राइट। अब इसको कंटेनराइज कैसे करेंगे, तुम लोग यहाँ पर देख पा रहे होगे, यहाँ पर पोर्ट नंबर मैंने डिफाइन किया है कि मेरा जो एप्लीकेशन है या फिर कोड का स्निपेट है, ये चलता है 8080 पोर्ट, राइट। तो जब मैं क्लाउड फंक्शन बनाऊंगा तो वहां पर कंटेनर पोर्ट मैं क्या डालूंगा, ये हम कैसे डिसाइड करेंगे, राइट। तो यहाँ पर तुम लोग अगर देखोगे तो मैंने एक एक्सपोज पोर्ट होता है, शायद मैंने यहाँ नहीं डिफाइन किया, यहाँ पर एक ना एक्सपोज करके कीवर्ड आता है। हर बार जब तुम डॉकर कंटेनर बनाते हो तो ये सारे कीवर्ड्स हैं, फ्रॉम, वर्किंग डायरेक्टरी, जो कैप्स में लिखे हुए चीजें दिख रही है तुम लोगों को, ये सारे जब डॉकर कंटेनर हम बनाते हैं, डॉकर फाइल जनरेट करते हैं, तो उसके कीवर्ड्स हैं। तो सबसे पहले पता है मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर, सबसे पहले पाइथन का आईडी ले रहा हूँ, मतलब पाइथन 3.7 मुझे दे दो, ठीक है। उसके बाद मैं वर्किंग डायरेक्टरी सेट कर रहा हूँ /app। अब क्या कर रहा हूँ, कॉपी डॉट डॉट, इसका मतलब ये जो भी कोड था, ये मेरा main.tf हो गया या फिर requirement.txt हो गया, वो सारे फाइल्स मैं डाल रहा हूँ इस पर्टिकुलर के कंटेनर के अंदर। फिर मैं इंस्टॉल कर रहा हूँ सम GUnicorn, ये बेसिकली एक सर्वर है। फिर requirement.txt को इंस्टॉल कर रहा हूँ, अब उसको बता रहा हूँ कि इन्वायरमेंटल पोर्ट 80 है जहां पर वो चलना चाहिए, और फिर मैं उसको रन कर रहा हूँ यूजिंग GUnicorn। तो ये सिंपल सा एक डॉकर फाइल बनाया मैंने, जो कि बेसिकली क्या करता है, मेरा जो ये सिंपल सा एप्लीकेशन है, राइट, इस एप्लीकेशन को रन करता है। तो व्हेनेवर हम इस पर्टिकुलर डॉकर फाइल से जो भी कंटेनर बनेगा, राइट, उस कंटेनर को जब हम रन करेंगे तो वो मुझे रिटर्न में क्या भेजेगा, हेलो फ्रॉम अभिषेक, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर आया मैंने, ठीक है, यहाँ पर कमांड भी दिया हूं मैं कि कैसे हम डॉकर का कंटेनर बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैंने डॉकर का कंटेनर बनाया, यहाँ पर मुझे दिखा, उसको रन करके भी देखा, तो तुम लोग अगर देखोगे मैं लोकली रन कर रहा हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर
रिफ्लेक्ट हो रहा है हेलो फ्रॉम अभिषेक, ठीक है। तो फॉर नाउ जस्ट यहां तक ट्राई करो इस ब्लॉक का कि, और यहाँ पर सेकंड चीज ये भी यूज कर लेना कंटेनर रजिस्ट्री वाला, ठीक है, ये सब फ्री है, सो नो इश्यूज। सो यहां तक का जो पार्ट है स्टेप नंबर 2 तक तुम लोग एक बार ट्राई करो, ठीक है। यहाँ पर जस्ट इतना भी करना कि हेलो फ्रॉम योर इंडिविजुअल नेम भी रखना चाहो रख सकते हो, राइट। बस इतना करके कंटेनर रेडी रखो, नेक्स्ट क्लास में जब तुम आओगे तो हम पहला काम ये करेंगे कि खुद का बनाया हुआ जो कंटेनर है उसको डिप्लॉय करेंगे, उसको रन करेंगे हमारे क्लाउड रन के एप्लीकेशन में, ठीक है, क्लियर है। और कहीं पे फंसते हो, कहीं पे डाउट होता है।